95 बिग एफएम पर पटना में और 92.7 बिग एफएम पर मुजफ्फरपुर में। मैं बात कर रही हूँ बिंदास बिहारनों की। भाई बिंदास बिहारन की पहली एग्जांपल तो हमारे सामने हमारी सोना बाबू है, सोनाक्षी सिन्हा, जिनका हम मना रहे हैं आज जन्मदिन। और इसमें मैंने शामिल किया है उन बिहारनों को जो सचमुच बिंदास है। तो इसी कड़ी में एक और नाम जुड़ा है। नाम तो बहुत प्यारा सा है, बड़ा स्वीट सा है, कोमल सा, और नाम है स्वीटी। लेकिन जब आप इनके बारे में जानेंगे तो सोचेंगे भाई नाम तो कुछ और है पर ये है कुछ और। एक्चुअली स्वीटी जी मार्शल आर्ट की ट्रेनर हैं, साथ में नेशनल रेफरी हैं, और इन्होंने ब्लैक बेल्ट जीता है और ब्लैक बेल्ट और भी डिग्रीज, वो ये बताएंगी। सबसे पहले तो मैं स्वागत करती हूँ स्वीटी जी आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्ते। नमस्ते मैम। और स्वीटी जी जानना चाहूंगी, सबसे पहले तो ये कहूंगी कि आज सोनाक्षी सिन्हा का जन्मदिन है तो वो इंस्पिरेशनल बिंदास बिहारन है हम सभी के लिए, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? हैप्पी बर्थडे मैम, आपको ढेर सारा बधाई हो और पूरे बिहार की ओर से आपको शुभकामनाएं, और भी आप आगे ऊपर जाए और पूरे बिहार का नाम, पूरे भारत का नाम ऊपर हो। थैंक यू सो मच स्वीटी जी। अब आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने ये सफर शुरू किया और इस फील्ड में स्पेशली लड़कियां बहुत कम है, खासकर अगर बिहार की बात करें तो बहुत कम लोग नजर आते हैं, इसमें आपने अपनी एक पहचान बनाई, अपनी एक जगह बनाई, तो कहाँ से अपनी शुरुआत की और कैसे यहाँ तक पहुंची, कितना स्ट्रगल फेस करना पड़ा और कैसे कितना विरोध हुआ या सपोर्ट मिला, वो हम जानना चाहेंगे आपसे। मैम जब हम छोटे थे 4 इयर्स के, तो मेरे अंदर एक क्रेज था जैसे रनिंग करना, खेलना, पढ़ाई ना करना पर खेलना। तो मेरे पापा ब्लैक बेल्ट रह चुके कराटे में, वो मुझे बताते थे मूवी देखना, ऐसे मारते ऐसे पीटते, तो मेरे अंदर सीखने का जुनून आया, मैं कैसे सीखूं। कुछ दिन पापा ट्रेनिंग दिए और घर का फैमिली ट्रेनिंग ट्रेनिंग ही होता है, फिर पापा मुझे बाहर में कोच करवाए, ट्रेनिंग लिए, फिर मैंने बहुत सारे स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल, एशियन 2012 में मैंने गोल्ड मेडलिस्ट पाया और ब्लैक बेल्ट 3rd डन अभी मेरा डिग्री है। और मगध महिला पटना साइंस कॉलेज में हम ट्रेनिंग दे चुके हैं, टाटा स्टील, टाटा केमिकल लिमिटेड में भी ट्रेनिंग दे चुके हैं हम, और अभी नेशनल रेफरी है। बहुत बढ़िया, इतनी अच्छी बातें आपने बताई अपने बारे में। मैं ये चाहूंगी कि आप अपनी तरफ से कुछ मैसेज दें यहाँ की लड़कियों को, उनकी सेफ्टी के लिए या उनकी अपनी पोजिशन के लिए। आप सभी को सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए, क्योंकि सेल्फ डिफेंस वो है आत्मरक्षा करना। हर किसी को आत्मरक्षा करना आना चाहिए, जैसे पढ़ाई करना जरूरी है, खाना खाना जरूरी है, उतना ही सेल्फ डिफेंस करना जरूरी है। क्योंकि जब तक आप खुद को सुरक्षित नहीं रखोगे तो सुरक्षित नहीं होगा, इसलिए आपको सेल्फ डिफेंस आनी चाहिए। कब तक आप अपने फैमिली से, भाई से सपोर्ट लोगे, आप खुद में सेल्फ डिफेंस करो। ओके, थैंक यू सो मच स्वीटी जी। तो ये थी हमारे साथ स्वीटी जी, जिनसे हमने बातें की बहुत सारी, और अभी हम आप बस लगातार सुनते रहेंगे और आप सुनते रहें ये गाने लगातार हमारे साथ, और आप सुनते रहें ये गाने हमारे साथ लगातार बिंदास बिहारन के साथ, और 95 बिग एफएम पर और 92.7 बिग एफएम पर। क्या हो गया हमारे साथ स्वीटी, जिनसे हमने बातें की बिंदास बिहारन के तौर पे। आप सुनते रहे ये गाने बिंदास बिहारन के साथ 95 बिग एफएम पर पटना में और 92.7 बिग एफएम पर मुजफ्फरपुर में। सुनो सुनाओ, लाइव बनाओ।